वेलकम टू अकेडमी फॉर यू आज से जो सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज द्रैश कोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ये सब्जेक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है कुछ यूनिवर्सिटीज में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के नाम से है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक फंडामेंटल्स का ये सब्जेक्ट है एंड नोन एज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन सो मेन मोटिव जो है इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने का एंड विद दिस कोर्स इज लाइक आप देखेंगे इंटरनेट पे बहुत सी वीडियोस अवेलेबल हैसिटी एग्जाम होने जा रहे हैं वो लास्ट ईयर से थोड़ा बहुत डिफरेंट है डिफरेंट इन द सेंस प्रिपरेशन डिफरेंट थी पूरी स्ट्रेटेजी डिफरेंट थी थ्रू आउट द ईयर बहुत कुछ इमोशनल बहुत कुछ टेक्निकल एकेडमिकल बहुत कुछ स्टूडेंट्स ने फेस किया था एंड दैट इज ड्यू टू पेंडेमिक अब कुछ कॉलेजेस में ऑफलाइन क्लासेस बहुत कम हुई हैं ऑनलाइन क्लासेस भी बहुत ही कम हुई हैं वहां पर सेटिस्फाई नहीं है अपनी प्रिपरेशन के लिए वो कॉन्फिडेंट नहीं है एंड उनको भी देखिए एग्जाम में अपीयर तो होना ही पड़ेगा तो ये जो क्रैश कोर्स डिजाइन किया जा रहा है ये स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने बहुत अच्छे से सब्जेक्ट को गो थ्रू नहीं किया है प्लस एट द सेम टाइम जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है बट दे वॉन्ट रिविजन तो क्योंकि आपके पास एक ऐसा मटेरियल एक होना चाहिए जो स्पेसिफिकली ओरिएंटेड हो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए बिकॉज अगर आप इंटरनेट सर्व करेंगे इस टाइम पर एंड उसमें आप एक नॉर्मल जो सब्जेक्ट की वीडियो होती है वहां पर देखते हैं तो वहां पर ये होगा कि हर चीज बहुत ज्यादा डिटेल में एंड टाइम टेकन होगी आपके पास इतना टाइम अब नहीं बचा है विद इन अ वीक और टू वीक्स आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं तो आपके लिए कुछ ऐसा डिजाइन किया गया है जो लास्ट मोमेंट के लिए हो चाहे आपने पूरे साल स्टडी ना की हो एंड लास्ट मोमेंट पे आप बुक उठा रहे हैं या फिर आपकी स्टडी बिल्कुल प्रिपेयर है एंड आप अपना रिवीजन चाह रहे हैं दैट इज अ क्विक रिवीजन तो ये सब माइंड में कंसीडर करते हुए हमने ये स्टार्ट की है क्रैश कोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग तो सबसे पहले देख लेते हैं स्टार्ट कहाँ से की जाए देखिए कुछ इस तरीके से रहेगा कि कोशिश कर रहे हैं पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट करा दें आपके एग्जाम से पहले एंड बहुत ही लिमिटेड टाइम है लिमिटेड टाइम का थोड़ा सा आइडिया मैं आपको देती हूँ पहले हम बुक को रेफर करते हैं जो उस बुक के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं द बुक वी आर गोइंग टू रेफर दैट बुक विल बी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस डिवाइसेज बॉइलस्टेड जो आपकी ये बुक है ये काफी स्टूडेंट्स को पता ही होगा आपके सिलेबस में मेंशन है आपकी रेफरेंस बुक है ये एंड अब आप कहेंगे कि ये बुक हमारे पास नहीं है हो सकता है, कुछ के पास नहीं है वो जा पाए थे लाइब्रेरी या कुछ को ऑनलाइन भी सर्च करने में, है. तो मैं में ये कर दूंगी आपका दिस इज योअर बुक एंड जो बुक ये रेफर कर रहे हैं देखिये कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं लास्ट मोमेंट पे जो प्रेपरेशन करना स्टार्ट करते हैं दे विल गो टूवर्ड लोकल बुक वो थोड़ा सा बेंड हो जाते हैं लोकल बुक्स की तरफ लोकल ऑथर्स जो होते हैं उनमें काफी कुछ शॉर्ट में रहता है बट अगर आप अपने सीनियर्स के टच में हैं या आप थोड़ा सा अगर स्टडी पहले भी एक स्टैंडर्ड बुक और लोकल बुक से आपने कंपेयर की कि हुई है फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि काफी मिस्टेक्स होती है आपकी लोकल बुक्स में तो लोकल ऑथर्स को आप फुल्ली रिलाई नहीं कर सकते

90% आपको इस बुक से बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर मिल जाएंगे और कभी कभी इफ यू आर लकी इनफ तो आपको ऐसा हो सकता है इवन सपोज मैं सर्किट करती लाइक दैट like और ये जो आपको डिटो नोम आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले इवन वैल्यूज तक चेंज नहीं होती हैं कभी कभी हो प्रजेंटेशन होगी, होगी वो बहुत अच्छी होगी क्योंकि इस बुक में बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ मैं आप ऑनलाइन देखते हैं तो भी आप देख सकते हैं इसमें नंबर ऑफ पेजेस नाइन थर्टी फोर ये बुक एक्चुअली में देखिए तो आप देखेंगे तो बहुत बड़ी बुक है बहुत मोटी बुक है इनफैक्ट एंड इट्स मोर देन काइंड ऑफ अ ग्रंथ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स सो इतना पढ़ने का टाइम नहीं है इसलिए बच्चा इस टाइम इससे डरता है देखिए आपको क्या है सब कुछ बहुत शॉर्ट में करके देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है द ओनली थिंग आई वॉन्ट फ्रॉम योर साइड कि आप जब भी ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं चाहे रिविजन पर्पज से है या आप फर्स्ट टाइम ही सब्जेक्ट को गो थ्रू कर रहे हैं तो एक सेपरेट कॉपी सब्जेक्ट की जरूर बना लें फायदा क्या होगा एक तो देखिए आपको एग्जाम में भी लिखना है अलग से कोई नोट्स प्रिपेयर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है जितना मैं आपको कराऊंगी दैट्स अ मोर देन सफिशियंट और इस सब्जेक्ट के लिए मुझे लगता है कि नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है आपको क्या करना है सिर्फ सर्किट समझना है उसका कॉन्सेप्ट समझना है दैट्स इट सर्किट समझा कॉन्सेप्ट समझा जो भी उसका कॉन्सेप्ट है या फिर आपका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है या फिर आपका बैंड गैप डायग्राम है जो भी डायग्राम है सिर्फ वो समझना है और उसके कॉन्सेप्ट क्या होता है इंग्लिश हिंदी वट एवर द लैंग्वेज यू मे प्रेफर उसमें आपको दो तीन लाइन में शॉर्ट में लिख देना है आप एग्जाम में जब आप चाहेंगे तो उसी चीज को अच्छे से इलाबोरेट कर दीजिए इंग्लिश हार्डली मैटर्स आपकी ग्रामर कितनी भी खराब हो आप इलेक्ट्रॉन को ही इज गोइंग इट इज गोइंग व्हाट सो एवर यू मे प्रनाउंस इट और व्हाट्स ओ एवर यू मे राइटिंग सब कुछ चलता है इंग्लिश लैंग्वेज का कभी भी इशू नहीं आने वाला है आपको जो आपका इवेलुएटर है उसको भी पता है कि सिर्फ आप वो सेंस दे दें दे उसको कि क्या आप कहना चाह रहे हैं ग्रामेटिकल और इंग्लिश की कभी भी आपके इस वजह से मार्क्स डिडक्ट नहीं होते ओके okay, क्योंकि ये सब्जेक्ट मैंने भी काफी टाइम पढ़ाया हुआ है और इवेल्युएटर भी काफी रही हुई इस सब्जेक्ट की तो इस उस बेसिस पे एक्सपीरियंस पे मैं ये कहना चाहूंगी कि कभी भी इस तरीके से आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होते सिर्फ सेंस आनी चाहिए हमें कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है दैट्स इट चाहे वो ही इज गोइंग है चाहे इट इज गोइंग है इट्स फुली फाइन अब चलते हैं आगे अगर मैं आपको इस बुक को थोड़ा सा दिखाती हूँ यहाँ पे इसके कॉन्टेंट को सो so, यहाँ पर है फर्स्ट चैप्टर सेमी कंडक्टर डायोट्स और सिलेबस की अगर हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी की सो so, यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली एकेटीयू की बात कर रही हूँ क्योंकि एकेटीयू के एग्जाम अभी जस्ट विद इन अ वीक और टू वीक स्टार्ट होने वाले हैं बाकी यूनिवर्सिटीज में भी सेम ही सिलेबस है बिकॉज ये गेट का भी सिलेबस होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का तो बहुत ही कम डिफरेंस आपको एक दो टॉपिक में मिलेगा अदरवाइज ज्यादातर यूनिवर्सिटी का यही सिलेबस है पी एन जंक्शन डायोड ये इस नाम से है सेमी कंडक्टर डायोड यही है आपका पीएन जंक्शन डायोड सो इसका जो पहला टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन कवर हो रहा है हमारे पेज नंबर वन में उसके बाद है मटीरियल सेमी कंडक्टर सेमी कंडक्टर का मटेरियल देखिए आपके पास यहां पर भी है दैट इज सेमी कंडक्टर मटीरियल उसके बाद आपके पास आता है डेप्लीशन लेयर वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स सब कुछ कव, कवर हो जाएगा हमारे डायोड में ही उसके बाद आपसे पूछा गया है आइडियल एंड प्रैक्टिकल डायोड दोनों यहाँ पे मेंशन है एक्सट्रिंसिक हो जाएगा इंट्रिंसिक हो जाएगा इसके मटेरियल और आइडियल डायोड है यहाँ पर सेमी कंडक्टर डायोड में आपको आइडियल प्रैक्टिकल दोनों अगेन यहां पर बताया जाएगा ट्रांजिशन एंड डिफ्यूजन कैपेसिटेंस ये भी आ गया डायोड इक्विवेलेंट सर्किट भी यहां पर आ गया उसके बाद आपका आ गया है एनर्जी लेवल एंड देन योर लास्ट में आपका आता है Deekhe, जो है, आपका फर्स्ट में नहीं है तो जहां हम सेकेंड यूनिट में जीना डायोड को पढ़ने ही वाले हैं वहां पर हम उसको एज ए शंट रेगुलेटर भी पढ़ेंगे वहीं पर हम कवर करेंगे जीना डायोड जब जीना डायोड के हम नमारिकल्स भी यूज करेंगे हम वहां पर स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट यूनिट हम कंप्लीट करेंगे एक्सेप्ट जीना डायोट जीना डायोट हम सेकेंड यूनिट में ही कवर करेंगे क्योंकि एक टॉपिक एक ही बार में खत्म करना है जब वो स्टार्ट करना है तो तभी खत्म करना है सब कुछ कंप्लीट करना है अब मैं अगर ये सारा, का सारा पूरी फर्स्ट यूनिट या मोर देन कहना फर्स्ट वन यूनिट मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा और आपको भी सुनने में ज्यादा अच्छा लगेगा कि ये जो ट्वेंटी मार्क्स आप गेन करने वाले हैं ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं विद इन एन आवर वन आवर में आपको कंप्लीट करा दू हार्डली आपको थोड़ा बहुत टाइम अगर एक्सटेंड हुआ तो हो सकता है बट मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं एक घंटे में आपको ये मार्क्स गेन इसके लिए बस अगेन अगेन एंड आई एम कि जो भी कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं बस कॉपी पेन लेकर उसको लिखते रहिए यही नोट्स होते हैं देखिए नोट्स कोई अलग से नहीं बनते हैं और लास्ट मोमेंट पे तो बिल्कुल भी नहीं बनते हैं आप लोगों को भी पता है कि लास्ट मोमेंट पे हम नोट्स नहीं बना सकते तो उससे बेटर है हम समझें एंड जाकर वहां पर एग्जाम में बता दें जो जो एग्जामिनर ने पूछा हम उसको सारी डिटेल से दें स्टार्ट करते हैं बहुत कम टाइम है फर्स्ट यूनिट से दैट इज सेमीकंडक्टर कंडक्टेड ओके सो स्टार्ट करते हैं सेमी कंडक्टेड डायोट देखिए क्योंकि लिमिटेड टाइम होने की वजह से आ, मैं आपको पूरी बुक तो नाइट नहीं कर पाऊंगी बट हम सारा का सारा जितना हमारी नॉलेज के लिए सफिशियंट है हम सारा का सारा वो उतना कंप्लीट कर लेंगे तो सेमी कंडक्टेड डायोट में जहां से हमारा स्टार्ट होता है एग्जाम ओरिएंटेड दैट इज आइडियल डायोड आइडियल डायोड क्या है ये आइडियल ओके सो आइडियल डायोड देखिए आइडियल डायोड क्या है आपका डायोड जो कि आपको 12th की physics में बताया गया था था किस तरीके का ध्यान रखिएगा याद हो अगर आपको कुछ इस तरीके का था दिस वॉज योर एनॉट दिस वॉज योर कैथोट पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर पी एन पी पॉजिटिव एन नेगेटिव नहीं है पी आपका एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर है एंड आपका डोनर टाइप सेमीकंडक्टर है एंड हम जब इन दोनों के बीच में स्पेशल बॉन्डिंग फोर्सेस क्रिएट करके बनाते हैं डायोड को पी टाइप सेमीकंडक्टर कंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर से सो दिस इज अ द सिंबल ऑफ द डायोड यहाँ पर ये यह जो एरो रिप्रेजेंट करता है ये रिप्रेजेंट करता है कि किस डायरेक्शन में मेरा करंट फ्लो होने वाला like है पर डायरेक्शन ये है तो इट करंट मेरा लेफ्ट टू राइट जाने वाला है On the contrary, अगर मैं diode को कुछ ऐसे लगा दूं, तो यानी कि current मेरा जा रहा है कुछ ऐसे राइट right से लेफ्ट की तरफ तो ये जो diode का arrow है दैट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट यानी कि आई ये जो सफिक्स में डी लिखा हुआ है का जो डायोड करंट है दैट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट ये पॉजिटिव से निगेटिव जा रही है बैटरी मैंने टू वोल्ट की बनाई है सो करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टूवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी तो करंट इस डायरेक्शन में आपका फ्लो होता है तो आइडियल डायउड क्या है मेरा टू टर्मिनल डिवाइस है देखिये दो टर्मिनल है पॉजिटिव नेगेटिव ये आपका एनॉर्डर का थॉट टू टर्मिनल है मेरे यहाँ पर और टू टर्मिनल डिवाइस है मेरा डायोड ये रहा मेरा तो इसके कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं वी आई कैरेक्टरस्टिक दिस इज आई दिस इज बी वी डी आई डी वोल्टेज और करंट अक्रॉस डायोड देखिए आई ऐसे बनता है और जो मेरी वर्टिकल लाइन है उस पर आई होगा याद रखिएगा लास्ट मोमेंट पे पढ़ने वाले स्पेशली बच्चे ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा जाकर वहां पर आई भी अगर आप गलत लिखाते हैं तो उसको इफेक्ट कर पड़ेगा स्पेसिफिकली तो ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए करंट मेरी जो निगेटिव थी जब वोल्टेज बिकॉज ये क्या है नेगेटिव है तो जब तक मेरी नेगेटिव वोल्टेज जो मैंने अप्लाई की थी डायोड के अक्रॉस जैसे कि हम पर करते हैं जब तक मेरी डायोड के अक्रॉस अप्लाई की हुई वोल्टेज नेगेटिव थी तो तब तक मेरा करंट था जीरो वाई बिकॉज डायोड ओपन सर्किट बिहेव करता है जब वो क्या होता है, reverse, uh, reverse होता है. जब ये मेरा पी एंड एन ये इस तरीके से तो कैसे होता है रिवर्स बायस फॉरवर्ड मैं भी आपको बता दूंगी बस क्योंकि था, ये है. चेक कर लेते हैं फॉरवर्ड बायस है एंड कब ये रिवर्स बायस है देखिए ये जो कैरेक्टरिस्टिक है बेसिकली डायोड की द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल डायोड आर अ स्विच दैट कैन कंडक्ट करंट इन ओनली वन डायरेक्शन स्विच स्विच से क्या मतलब है जी हाँ स्विच से आपका बिल्कुल वही मतलब है जो आपके नॉर्मल घरों में स्विच हैं, यानी कि ऑन किया करंट फ्लो हुआ कंडक्शन हुआ ऑफ किया करंट फ्लो नहीं हुआ नॉन कंडक्शन हुआ तो वही मतलब है कि एक बार वो ऑन होता है एक बार वो ऑफ होता है तो देखते हैं कब वो ऑन है कब वो ऑफ है ये रहा देखिए ये डायोड है एंड डायोड का जो मैंने आपको बार बार कहा है कि ये मैंने डायोड बनाया हुआ है और बिल्कुल भी इस तरीके से मत याद रखिएगा कि P पॉजिटिव N नेगेटिव तो मेरा हो गया डायोड फॉरवर्ड अगर आप बोलते हैं ऐसा तो इसका मतलब है कि ये जो ट्वेल्थ तक के कॉन्सेप्ट थे चल गए बट अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसा बोलेंगे तो डायोड के न्यूमेरिकल्स में ठीक है लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपका गलत हो जाएगा जब बात करेंगे हम क्लिपर्स कैम्पर्स रेक्टिफायर्स की वहां पर आपको नए नए तरीके से सोचना पड़ेगा तो हम स्टार्टिंग से ही हमारे कॉन्सेप्ट सही रखते हैं और हमेशा आप बस एक चीज याद रखिएगा कितना भी डिफिकल्ट आप क्वेश्चन ले आइए बस ये याद रखिएगा कि पी शुड बीटर फॉर फॉरवर्ड ऑन द कॉन्ट्रेरी होगा बिल्कुल कि एन शुड बी ग्रेटर देन पी फॉर रिवर्स बायस्ट अगर आप ये बोल रहे हैं तो आप क्लिपर क्लैम्पर रेक्टिफायर के हर एक क्वेश्चन को बना लेंगे पी पॉजिटिव एन नेगेटिव ट्वेल्थ तक का था

तो देखिए अब हम कह रहे हैं कि मैंने कोई बैटरी अप्लाई करी इस डायोड के अक्रॉस मैं एक बैटरी अप्लाई कर रही हूँ ठीक है नुमैरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूं और बिल्कुल भी डरिएगा मत कि नुमेरिकल्स में छोड़ रहा हूँ नहीं नुमेरिकल्स नहीं छोड़ने हैं नुमैरिकल्स भी करिए यहां पर हमने एक बैटरी लगा दी सपोज मैंने टू वोल्ट की बैटरी लगाई तो बैटरी का ये तो पॉजिटिव है ये नेगेटिव है बड़े वाला पॉजिटिव होता है छोटे वाला नेगेटिव होता है बैटरी का टर्मिनल सो पॉजिटिव कनेक्ट है पी से और निगेटिव कनेक्ट है एन से आपको भी पता है कि पॉजिटिव बड़ा होता है नेगेटिव छोटा होता है यानी कि पी हायर टर्मिनल पर है एज कंपेयर टू एन यानी डायोड क्या हो गया फॉरवर्ड बायस जब भी हो डायोड फॉरवर्ड बायस तो फॉर डायोड को हम किससे रिप्लेस कर देंगे हम डायोड को हटाकर वहां पर लगा देंगे शॉर्ट सर्किट डायोड को हम कर देंगे शॉर्ट सर्किट कुछ ऐसा ये देखिए डायोड को क्या किया हुआ है इन्होंने शॉर्ट सर्किट किया हुआ है कब जब डायोड है मेरा फॉरवर्ड बायस पी ग्रेटर है

बट अगर मैं बात करूं निगेटिव वोल्टेज देखिए जब भी निगेटिव वोल्टेज मैंने यहां पे लगाई हुई है, अब निगेटिव है, है. तो देखते हैं क्या रहेगा हमारा किस तरीके से डायोड रहने वाला है यहाँ पर देखिए थोड़ा सा राइटिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज करिएगा क्योंकि बहुत कुछ मुझे आपको लिमिटेड टाइम में कराना है तो

आगे चलते हैं फटाफट से ये सब आपको पता हो गया और ये सब आपको चीजें एग्जाम में लिख कर आनी है सपोज उसने पूछा आइडियल डायोड क्या लिखना है आइडियल डायोड के बारे में दो टर्मिनल डिवाइस है आई डायोड का सिंबल बना देंगे दिखा देंगे फॉरवर्ड बायस होता है शॉर्ट होता है रिवर्स बायस होता है ओपन होता है वीआई कैरेक्टर स्टेक दैट सेट थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए मार्क्स के अकॉर्डिंग टू मार्क्स में है तो देखिए आपको पता है कितना लिखना है फाइव मार्क्स में है तो कितना लिखना है टेन मार्क्स में पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ यही आ जाएगा एक न्यूमेरिकल के साथ तो आएगा ही डेफिनेटली आगे चलते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल्स नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल्स द टर्म कंडक्टर इज अप्लाइड टू एनी मटेरियल दैट विल सपोर्ट अ जेनरस फ्लो ऑफ चार्ज व्हेन अ वोल्टेज सप्लाइज ऑफ लिमिटेड मैग्नीट्यूड इज अप्लाइड अ क्रॉस टर्मिनल ओके आपका क्या है कंडक्टर कोई भी मटेरियल कंडक्टर कब बनेगा देखिए कंडक्टर कब बनता है वो जब उसमें करंट कंडक्ट करती है। करंट करंट क्या होता है अगर मैं आपसे करंट की डेफिनेशन पूछूं, तो क्या होती है आप कहेंगे करंट का तो फॉर्मूला आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी करंट का क्या फॉर्मूला है आपके पास आई इक्व टू डी क्यू बाई टी। ये जो होता है ना डी बाई डी टी वन ये जो डी बाई डी टी होता है इसको हम बोलते हैं फ्लो रेट ऑफ फ्लो रेट ऑफ फ्लो किसका क्यू क्यू क्या होता है चार्ज तो करंट क्या है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कितनी तेजी से चार्ज फ्लो हो रहा है वही तो है मेरा करंट अब चार्ज ज्यादा ज्यादा फ्लो हो ज्यादा चार्ज फ्लो होने के लिए ज्यादा चार्ज होने भी तो पड़ेगा अब ज्यादा चार्ज होना पड़ेगा जो चार्ज है आपका वो अब जितनी ज्यादा तेजी से फ्लो करेगा दैट इज योर करंट आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी तो कंडक्टर में ये ज्यादा फ्लो करेगा सेमी कंडक्टर में ये कम करेगा और नॉन कंडक्टर यानी इंसुलेटर में बिल्कुल भी ये फ्लो नहीं करने वाला है तो इंसुलेटर इज अ मेटीरियल दैट ऑफ़र्स वेरी लो कंडक्टिविटी अंडर प्रेशर ऑफ एन अप्लाइड वोल्टेज सोर्स अब जब आपने वोल्टेज अप्लाई की तो अच्छा खासा करंट फ्लो हुआ ये था मेरा कंडक्टर इतना कम ऑब्जर्व हुआ बिल्कुल कि मेरा कुछ हुआ ही नहीं डिवाइस में आपको ऑब्जर्व ही नहीं हो पाया वो हो गया मेरा इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर में क्या हुआ उसकी कंडक्टिविटी बीच में लाई करेगी इन द मिडल ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ माय इंसुलेटर एंड कंडक्टर तभी तो नाम है उसका सेमी कंडक्टर हाफ कंडक्टर यानी हाफ कंडक्टर हाफ इंसुलेटर कैसे है हाफ कंडक्टर कैसे है हाफ इंसुलेटर वो भी हम देख लेंगे तो ये हो गया मेरा सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में तीन तरीके के हो गए कंडक्टर इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर एक फॉर्मूला है छोटा सा आर रिक्वेस्ट टू रोएल अपॉन ए रजिस्टेंस रजिस्टिविटी ये देखिए ये कोई भी आपने एक क्या लिया हुआ है सेमीकंडक्टर बार लिया हुआ है तो उसकी लेंथ कितनी है एरिया कितना है रजिस्टिविटी क्या है इस पर कभी कभी नोमरिकल्स आ जाते हैं एक छोटा सा फॉर्मूला है याद कर लीजिएगा इन सब चीजों को अवॉइड करते हुए फटाफट से हम अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं पहले जो यूनिवर्सिटी ओरियंटेड है ओके बॉन्डिंग सेमीकंडक्टर में बात अगर करूं तो जो बॉन्डिंग होती है बॉन्डिंग ऑफ एटम्स स्ट्रेंद बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बॉन्डिंग किससे होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग नोट कर लीजिए कहीं पर आप अपने कॉपी में जो आपका सेमी होगा जो आपका इंसुलेटर होगा एंड जो आपका कंडक्टर होगा या फिर मेटल होगा इनकी बॉन्डिंग की अगर मैं बात करूं तो जो कंडक्टर होता है या मेटल होता है उसमें आपकी होती है मेटालिक बॉन्डिंग जो आपका सेमी कंडक्टर होता है उसमें होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग जो आपका इंसुलेटर होता है उसमें होती है आयनिक बॉन्डिंग बिकॉज आपका कभी कभी डिफरेंस पूछ लिया जाता है कंडक्टर सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर का वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं पॉइंट चलिए जी आगे चल रहे हैं हम देख रहे हैं हम सेमी कंडक्टर के बारे में तो सेमी कंडक्टर का जो मटेरियल होता है दैट इज जर्मेनियम एंड सिलिकन ओके सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बनता है हमारे पास कि सेमी कंडक्टर बिलोंग करता है ग्रुप फोर को जो मेरा सेमी कंडक्टर है दैट बिलोंग्स टू माय ग्रुप फोर अब ये जो ग्रुप फोर को बिलोंग किया मेरा सेमी कंडक्टर मैं थोड़ा सा स्पेस यहां पर यूज करती हूँ जो मेरा सेमी कंडक्टर है दैट बिलोंग्स टू ग्रुप फोर ग्रुप फोर के जो एलिमेंट्स हैं दीज आर जर्मेनियम सिलिकन एंड कार्बन तो बनता है एक क्वेश्चन कि वाई कार्बन इज नॉट कंसिडर्ड एज अ सेमी कंडक्टर एलिमेंट देखिए कार्बन इसलिए कंसिडर नहीं करता क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी हाईली अनरिलायबल है अनस्टेबल है एंड अनप्रिडिक्टेबल है कार्बन का जो एनर्जी बैंड गैप है वो भी लार्ज है अराउंड वन पॉइंट फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये क्या करता है कभी कभी कंडक्टर की तरह बिहेव करता है डायमंड की तरह सॉरी ग्रेफाइट की तरह और कभी कभी ये डायमंड की तरह बिहेव करता है इंसुलेटर की 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 तरह तो की तरह तो ग्रेफाइट कंडक्टर और रिलाई नहीं कर सकते कि ये work, करने वाला है या एज एन इंसुलेटर वर्क करने वाला है तो इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं. हम सिर्फ जर्मेनियम एंड सिलिकन को कंसिडर करते हैं आगे की डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग